हाँ जी नमस्ते, कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज जिस विषय पर मैं आप सब लोगों के साथ बात करूंगा, उस टॉपिक का नाम है खुशहाल जिंदगी। हर व्यक्ति या हम लोग खुद अपनी जिंदगी को 100% पोटेंशियल पर कैसे जिए, किस तरह से हमारी जीवन खुशियों से भरा हो, ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के मन में जरूर उठता है। अगर देखा जाए तो खास तौर पे जब एक व्यक्ति किसी परेशानी से जब जूझ रहा होता है तो इस तरह के सवाल उसके दिमाग में उठने लगते हैं, जिसके बाद वह उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिरकार ये जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, हम जिंदगी किस लिए जिए जा रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो जिंदगी जो है वो एक लंबी यात्रा है, जिस पर चलने पर उतार चढ़ाव का अनुभव होता है। जिंदगी एक जंग है जिसे जीतने के लिए पूरे मन से लड़ते रहो, और जिंदगी एक कर्तव्य है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे और समाज के प्रति सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिंदगी क्या है, कभी सुख तलाशती है, कभी दुख से भागती है, कभी सुकून खोजती है। जिंदगी क्या है, क्या ये एक दर्शन है या कला है, विज्ञान है, अज्ञात है, भूत है, भविष्य है, वर्तमान है या स्वर्व विद्वान है, वस्तु पाने की दौड़ है या प्रतिस्पर्धा की कोई होड़ है, पीछे छूटने का भय है या आगे रहने का मोह है। लगता है कभी मुसीबतों का ही ये गठजोड़ है। अगर देखें तो जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर नाम नहीं होता, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम हो सकता है पर सांसें नहीं होती। बस इन्हीं सांसें और नाम के बीच की जो यात्रा है उसे जीवन बोलते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, जैसा आपका स्वभाव है उसी प्रकार के स्वभाव में जियो। जिंदगी को खुशहाल और निरंतर तरक्की भला कौन नहीं करना चाहता। आप भी अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब लगातार आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने आप को देखते रहो और सकारात्मक बदलावों को अहमियत देते रहो। तो आज मैं आप लोगों के साथ इंटरनेट पर एक अच्छा सा सर्वे करने के बाद, काफी आर्टिकल्स पढ़े, काफी कुछ पढ़ा, और मेरे हाथ एक बहुत बढ़िया बात लगी जो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए। मैं जिंदगी के आठ उन अलग अलग आयाम्स की आप लोगों के साथ बात करूंगा, आठ अलग अलग उन सफेयर्स की बात करूंगा जहां से एक व्यक्ति पैदा होने से लेकर मृत्यु तक अगर उन आठ चीजों में परफेक्ट होकर चले तो 100% उसकी लाइफ कंफर्टेबल बन सकती है, बढ़िया बन सकती है, खुशहाल बन सकती है, और वो अपने जीवन को अपने फुल पोटेंशियल पर जी के जा सकता है। तो मैं शुरू करना चाहूंगा वो जिंदगी के हमारे आठ हिस्से जिसमें हम सबको परफेक्ट होना है। और मैंने अपने इस टॉपिक के रिसर्च में ये भी बात पाई कि कहीं ना कहीं मेरा आज का टॉपिक हमारे भारत के संविधान के हमारे 10वें मौलिक कर्तव्य के साथ कुछ मिलता जुलता है। तो हमारे इसी सीक्वेंस में मैं चाहूंगा कि हम लोग उस 8 तरह की फिटनेस की बात करें जो हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जरूरी है। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक व्यक्ति को फिजिकली फिट होना चाहिए। कौन सा फिट होना चाहिए? फिजिकली फिट। जिस गाड़ी पर चढ़ के हमने आगे जाना है, अगर उसी के टायर पंचर हो गए तो फिर हम लोग जाएंगे कैसे? सदियों से हम लोग सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ, अपने शरीर को बढ़िया रखो, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, अपनी बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो। अभी इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है, योगा का प्रण लो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, बैलेंस्ड डाइट खाओ, प्रॉपर नींद लो, अपने दांतों की केयर करो, अपने बॉडी की मूवमेंट को इस तरह से लेकर आओ ताकि आप इस इंजन को परफेक्ट लग सको, क्योंकि इसी इंजन ने कल आपको आपके जिंदगी के हर मुकाम तक पहुंचाना है। चाहे आप राजनीति में आना चाहो, चाहे आप बिजनेस में आना चाहो, चाहे समाज सेवा में आना चाहो। तो फिजिकल फिटनेस हमारी जिंदगी का सबसे पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मेंटली फिट होना। आज पूरी दुनिया इसकी तरफ बहुत बड़ा ध्यान दे रही है। बड़े दुख की बात है, हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के कुछ बड़े बड़े लोग जिनका अच्छा नाम भी है, अच्छा फेम भी है, अच्छा पैसा भी था, पर फिर भी वो लोग सुसाइड कर लेते हैं या जिंदगी में किसी गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं या उनका मन 24 घंटे नेगेटिविटी से भरा रहता है।
तो आज के टाइम में मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में हम क्या समझते हैं? किसी चीज को सोचना, हम सोचते कैसे हैं? सोचने के बाद हम उसको फील कैसे करते हैं? और फील करने के बाद हम लोग समाज में उसको रिएक्ट कैसे करते हैं? जैसे आपने कुछ लोगों को देखा हो ना कि वो मैरिज में, ब्याह शादियों में, किसी फंक्शन में, किसी खुशी के उत्सव में या किसी हिल स्टेशन पर जहां सब लोग एंजॉय करते हैं, वो आदमी तब भी वहां जाकर भी दुखी होता है। मतलब वो एंजॉय नहीं करता। उसका क्या कारण हो सकता है? या तो वो किसी पास्ट में खोया है, या वो किसी फ्यूचर की टेंशन में जी रहा है, प्रेजेंट को वो नहीं जी रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में चीजों की केयर नहीं करनी होती, पर अगर आप किसी स्ट्रेस को एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ले जाओ जहां आप उसको मैनेज ही ना कर पाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि हम लोग इन चीजों को मैनेज कर पाए, इंजॉय कर पाए, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव फील करें और पॉजिटिव ही रिएक्ट करें, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जिंदगी में रखें और कैलकुलेटेड रिस्क लें। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है? अब जैसे कुछ लोग जिंदगी में एक ऐसा रिस्क ले लेते हैं जो डोमेन से बड़ा होता है, तो उसके बाद मेंटली अनफिट आदमी होना शुरू हो जाता है। अगर हमें कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है तो हमें अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने नियर एंड डियर से, अपने टीचर से बातचीत करनी चाहिए, स्पीकअप, ये जरूरी है। मेंटल हेल्थनेस जो है, हेल्थ आज के टाइम में जरूरी है। तो पहला है फिजिकली फिट, दूसरा है मेंटली फिट, तीसरा है इमोशनली फिट। अब इमोशनली फिट क्या होता है? इमोशनल, अब जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, पर एक लेवल से ज्यादा इमोशनल हो जाना, स्ट्रेस लेवल को ज्यादा ले लेना, डिप्रेशन में ज्यादा पड़ जाना, एंग्जाइटी के अंदर जीना, प्रॉपर नींद ना लेना, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ना, आत्महत्या के मन में ख्याल आना, ठीक, अपनी फीलिंग्स को, अपने एटीट्यूड को सब कुछ खत्म कर देना, एक जोश भरी जिंदगी को ना जीना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति में हेल्दी इमोशन होने चाहिए, उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट भी रहेगा और उसकी वजह से उसका बिहेवियर और उसका मूड भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। इमोशनल फिटनेस के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये कैसी आपकी एबिलिटी है जो आपको जिंदगी के साथ, अपने साथ वाले रिश्तेदारों के साथ, आस पड़ोस के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से अपने रिलेशंस को लंबे चलाते हो, ये आपकी इमोशनल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। चौथी फिटनेस है फाइनेंशियल फिटनेस। अब फाइनेंशियल फिटनेस के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, आज की 21वीं सदी के बिना पैसों के पैर नहीं रखा जाता। रोटी, कपड़ा, मकान जिंदगी में जरूरी है ही है, उसके सिवा सेकेंडरी लेवल के ऊपर भी एक बेस्ट एजुकेशन, एक अच्छा घर होना, एक अच्छा स्टेटस होना, तो फाइनेंशियल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप बिजनेस करो, कुछ भी करो, कोई गलत बात नहीं है, चाहे बिजनेस करो चाहे नौकरी करो, पर आप फाइनेंशियली फिट रहो। पैसा आपकी जेब में होना चाहिए और उस पैसे को आप किस प्रकार मैनेज करोगे, अपना बजट कैसे बनाओगे, ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, प्लानिंग कैसे करोगे, इन सब चीजों को भी हमने सीखना है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है जिंदगी में, उनका ग्राफ पैसों का पूरा ऊपर जाता है, फिर जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं कि वो ग्राफ वापस नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं करना, हमारा ग्राफ डाउन नहीं आना चाहिए। तो फाइनेंशियली फिट होना जिंदगी में बहुत जरूरी है ताकि हमारे घर परिवार की सारी बेसिक नीड्स पूरी हो, सबके पास अच्छे कपड़े हो, बच्चों के पास अच्छी शिक्षा हो, भगवान ना करे घर में किसी के कोई बीमारी लगे तो उसका प्रॉपर इलाज हो सके, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आज के समाज में जीने की, एक फाइनेंशियल फिटनेस होना एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। पांचवें तरह की फिटनेस वो है सोशल फिटनेस। एक आदमी सामाजिक प्राणी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज से कटके नहीं रह सकते, हमें सोशल नेटवर्क के अंदर रहना चाहिए। अभी जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पैर में दर्द होता है, तो अगर पैर के दर्द को सिर, हमारा सर, अगर उस दर्द को अपना नहीं समझेगा तो एक दिन वो सर का दर्द बन जाएगा। अगर हमारे प्यारे भारत में, केरल में कोई तकलीफ है तो उसका दर्द पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सबको देखना चाहिए। अगर यहां कोई दर्द है तो नीचे देखना चाहिए। वी ऑल आर सोशली कनेक्टेड। अगर आज मेरी गली के किसी एक घर में कोई प्रॉब्लम है, मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये उनके घर की प्रॉब्लम है, मुझे क्या लेना, हमारे घर में तो सब कुछ ठीक है। अगर आप उनकी चिंता नहीं करोगे तो परसों हमारे घर का नंबर भी आ सकता है। मैन
मतलब हमारी जो इंसान है हम सोशल प्राणी है, समाज के अंदर अपना एक दायरा होना चाहिए, क्योंकि जहां पैसे काम नहीं करते वहां सम टाइम आपका सोशल नेटवर्क बड़े अच्छे लेवल पे काम करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने पर, आपकी जिंदगी को अच्छे रास्ते पर ले जाने पर, सलाह देने पर इसका बहुत बड़ा रोल जो है होता है। तो अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करो, अपने समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दो, उसकी कुरीतियों को दूर करने में मदद करो। तो सोशल फिटनेस एक इंसान में होनी चाहिए। छठवें तरह की फिटनेस है स्पिरिचुअल फिटनेस, आध्यात्मिक। एक आदमी आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैंने धरती पर जन्म क्यों लिया। ठीक, मतलब गो इनवर्ड, आदमी को आउटवर्ड जाने से पहले इनवर्ड जाना चाहिए। इनवर्ड, जितना अंदर जाओगे उतने ही बार ज्यादा बढ़िया निकलोगे, जितनी लहर समुद्र में नीचे जाएगी उतनी ज्यादा ऊंची उठेगी। पब्लिक विक्ट्री के लिए प्राइवेट विक्ट्री होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने अपने आप पे जीत हासिल नहीं की वो दुनिया पर कैसे हासिल करेगा। अपने आप को तो समझो कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा मेरा विश्वास क्या है, मेरे वैल्यूज क्या है, मेरे सिद्धांत क्या है, मेरे एथिक्स क्या है, मतलब मैं इस जीवन को क्यों जी रहा हूं। जो गलत काम है वो कभी नहीं करूंगा, जो सही काम है वो मैं करूंगा। गलत काम चाहे सारी दुनिया कर रही हो मैं नहीं करूंगा, सही काम चाहे कोई ना कर रहा हो मैं करूंगा। स्पिरिचुअलिटी इसी को बोलते हैं, सही का साथ देना, गलत का साथ नहीं देना, सिद्धांतों वाला एक इंसान बनना और जीवन के पर्पस को ढूंढना और अपने अंदर जाना, ज्ञान की प्राप्ति करना। जितने अंदर आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे उतने ही हमारी बाहर की आउटवर्ड लाइफ जो है वो बेटर होगी। सातवें तरह की फिटनेस, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फिटनेस, बौद्धिक क्षमता। एक आदमी इंटेलेक्चुअली फिट होना चाहिए। मेंटली फिट होना एक बात है, पढ़ लेना एक बात है। आपने देखा होगा बहुत से लोग एजुकेटेड होते हैं, फुल एजुकेटेड होते हैं, स्टिल वो ऐसे काम कर देते हैं जो उनकी पढ़ाई लिखाई पे सवाल उठाता है। तो पढ़ाई लिखाई होना और एक समझदार होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इंटेलेक्चुअली फिट का मतलब है आप कितने समझदार हो। कहते हैं ना, एक इंटेलिजेंट आदमी, एक चालाक आदमी मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता जानता है, पर एक इंटेलेक्चुअल आदमी मुसीबत में पड़ता ही नहीं है। जो इंटेलेक्चुअल आदमी होता है उसको दूर से पता लग जाता है कि ये काम मुझे नहीं करना, इसमें मैं फंस सकता हूं। इंटेलिजेंट आदमी को शायद पता नहीं चलता पर वो बाहर निकलने का रास्ता जानता है। तो बेटर है कि हम लोग दूर से ही सिचुएशन को समझें कि हमारे फेवर में कौन सी है और कौन सी नहीं है। इंटेलेक्चुअली फिट होना मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी समझदारी, आपकी विजडम वो किस लेवल की है, आप नई नई चीजों को सीखने के प्रति कितने आपका मन में क्यूरियोसिटी है, आप कितने क्रिएटिव माइंड के हो, आप सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर कितने अवेयर हो, और आप वैल्यू कितनी देते हो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। अब कुछ लोग 35-40 साल तक की उम्र में पढ़ पढ़ के पूरे हो जाते हैं कि बस भाई अब हमसे समझदार इस धरती पे कोई नहीं है। ऐसा नहीं, हम लोग जिंदगी में हर पल सीखेंगे, चाहे मैं 90 साल का भी हो जाऊंगा तब भी मैं इन सब चीजों के जवाब ढूंढता रहूंगा। और आठवां और लास्ट है ऑक्यूपेशनली फिट। हमें किसी ना किसी ऑक्यूपेशन के अंदर रहना है, कोई ना कोई हमें काम करना है। चाहे मैं बिजनेस करूं, चाहे मैं नौकरी करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं वो काम करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। ठीक, समटाइम कुछ लोग कोई ऐसी जॉब करने लग जाते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता पर मजबूरी में कर रहे हैं। कोशिश करो कि ऐसा ना हो, आप वो काम करो जिसमें आपका मन करता हो। अपनी लाइफ को बैलेंस करो काम के साथ और अपने घर परिवार के साथ। आपके काम का, आपके वर्क का एक मतलब होना चाहिए। और अगर आपका प्रोफेशन अच्छा है ना, तो आपको जो मैंने जो पीछे वाले सातों जो फिटनेस बताई है उनमें भी आप परफेक्ट रहोगे। तो ये मेरा आज का विषय था। अगर हम इन आठों के ऊपर ध्यान दें तो हमारी लाइफ खुशहाल बन सकती है। अगर मेरे दाएं हाथ में कर्म है तो मेरे बाएं हाथ में विजय जरूर होगी। अगर मैं इस हाथ से अपनी जिंदगी को संवारने के लिए बढ़ूंगा तो उस हाथ से मुझे मेरा जीवन बहुत अच्छा जरूर मिलेगा। अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने दिमाग को एकाग्र करके जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए इन आठों सफेयर में परफेक्ट होने के लिए भागो। आपने देखा होगा बहुत से लोग फिजिकली पूरे फिट है, मेंटली पूरे फिट है, इमोशनली भी पूरे फिट है, स्पिरिचुअली भी पूरे फिट है, सोशली भी उनके यार दोस्त है, पर फाइनेंशियली फिट नहीं है तो भी जिंदगी बेकार है। कई लोगों के पास पैसा खूब है, इमोशन से मजबूत है, दिमाग से पूरा मजबूत है, सोशली पूरा मजबूत है, इंटेलेक्चुअली पूरा मजबूत है, फिजिकली फिट नहीं है।
कद चक्कर आ जाए, कद बेहोश होके पड़ जाए, ये कैसा जीवन है? तो फिजिकली फिटनेस जरूरी है। अभी भारत में रिसेंटली एक फिल्म स्टार जो है उन्होंने जो है वो सुसाइड किया है, तो अभी चलो वो उसके ऊपर खोजबीन जो है वो जारी है। अगर आप उनको ना भी लो, आप किसी और की एग्जाम्पल भी ले लो, लोगों के पास पैसा होता है, समाज भी होता है, रिश्तेदार होते हैं, यार बेली होते हैं, सब कुछ होते हैं, तब भी सुसाइड कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली फिटनेस में कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए इन सभी के अंदर फिट होना एक ड्यूटी बनती है। आज 21वीं सदी के भारत में जितनी अपॉर्चुनिटीज है, जितने उतार चढ़ाव है, उस खास करके इस कोरोना की वजह से तो दुनिया में इतना ऊपर थली हुआ है कि अगर हम इन आठों में अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं आगे चल के डगमगा सकता है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं आज का विषय आप लोगों को सबको बढ़िया लगा होगा। अगर इसमें कोई गलती हो तो रियली सॉरी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, प्लस आप इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।